मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हम एक बहुत बड़े से एलियन को देखते हैं जो कि किसी प्लैनेट पर अटैक कर रहा था और वहाँ के सारे सोल्जर्स उसे रोकने में लगे थे। फिर पता चलता है कि ये रियलिटी नहीं बल्कि एक मूवी का सीन है जिसे बहुत सारे लोग सिनेमा में बैठकर एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद हम एक प्लैनेट को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे एलियंस रह रहे हैं और ये बिल्कुल ऐसे ही रह रहे थे जैसे हम ह्यूमंस अर्थ पर रहते हैं। यहाँ पर हम एक एलियन को देखते हैं जिसका नाम लिम है। वो इस प्लैनेट के टोरियम में जॉब करता था। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे शो देखने आए थे और यहाँ पर सबको यही लगता था कि एक दिन कभी ना कभी कोई एलियन इनके प्लैनेट पर अटैक कर देगा। लिम आज इन बच्चों को यही बता रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एलियन जैसी चीज कोई भी नहीं, ये तो बस कॉमिक्स का फिक्शनल कैरेक्टर है और यहाँ तो मूवीज में बस दिखाया जाता है पर ऐसा कभी नहीं होगा। शो के बाद लिम अपने दोस्तों से मिलता है जो कि अब उस मूवी के सेकंड पार्ट का वेट कर रहे थे और लिम भी कहते हैं कि जब ये मूवी रिलीज होगी तो हम सब मिलकर देखेंगे। पर लिम उन्हें समझाता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और एलियन जैसी चीजों पर मैं यकीन नहीं रखता, तो मैं तो ये मूवी देखकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इतनी ही देर में लिम के सामने उसकी नेबर आती है जो कि लिम की बहुत बड़ी क्रश थी पर लिम कभी भी उसे बता नहीं सका था। अब इसके साथ ही हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सी स्पेसशिप इनके प्लैनेट की तरफ आ रही है और इनके प्लैनेट पे बने एक सीक्रेट बेस पे ये डिटेक्ट हो जाती है। पता चलता है कि इस बेस पर अर्थ से भेजे गए और भी बहुत सारे रोवर्स रखे हैं। बहुत सारी अर्थ से भेजी गई चीजें इस बेस ने अपने पास संभाल के रखी थी। अर्थ से भेजा गया रोवर इस चीज को भी डिटेक्ट करता है और खुद ही एक्टिव हो जाता है। उसका काम ये था कि अर्थ से भेजी गई स्पेसशिप जो भी इसकी तरफ आएगी उसे डिटेक्ट करके उसके पास जाए। दूसरी तरफ लिम अपने घर में एंजॉय कर रहा था कि थोड़ी ही देर में उसको बहुत तेज आवाज आती है। जब वो बाहर निकल कर देखता है तो उसके घर के पीछे एक स्पेसशिप प्लान कर रही थी। इसे देखकर तो लिम बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और इस स्पेसशिप में से एक एलियन जैसा इंसान बाहर निकलता है। ये एलियन जो कि एक एस्ट्रोनॉट था बाहर निकलकर यूएस का फ्लैग यहाँ पर लगा देता है, पर वो जैसे ही लिम को देखता है वो खुद भी बहुत ज्यादा डरता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम इस प्लैनेट की बेस को देखते हैं जहाँ के चीफ को आइडिया हो गया था कि कोई स्पेसशिप इनके प्लैनेट पर लैंड की है, जिसके बाद हम स्पेसशिप के आसपास भी बहुत सारे एलियंस को देखते हैं जो कि इस प्लैनेट के ही रहने वाले थे। हर कोई इस स्पेसशिप को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था और साथ परेशान भी। बहुत सारे रिपोर्टर्स भी इकट्ठे हो गए थे क्योंकि अब सबको यही लग रहा था कि कोई एलियन है जो कि यहाँ पर आ चुका है। अब लिम तो डेली रूटीन के हिसाब से प्लैनेटोरियम पहुँच चुका था और उसकी सफाई भी कर रहा था। इतनी ही देर में उसे कुछ आवाज आती है और पता चलता है कि वो एलियन छुप कर यहाँ पर आया है। लिम तो इस एस्ट्रोनॉट को देखकर बहुत ज्यादा घबराता है और भागने लगता है क्योंकि उसको तो पहले यकीन नहीं था कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं, पर अब उसके सामने एक दूसरी स्पेसशिप से निकला हुआ एलियन था। जहाँ लिम इस एस्ट्रोनॉट से डर रहा था वहाँ पर एस्ट्रोनॉट का भी यही हाल था। लिम से वो बहुत ज्यादा डर कर दूर भाग रहा था, जिसके बाद उसे भी रियलाइज होता है कि हम दोनों ही एक दूसरे से डर रहे हैं। अब ये एस्ट्रोनॉट खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है कि मैं एक एस्ट्रोनॉट हूँ जो कि प्लैनेट अर्थ से आया है और मैं यहाँ पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाने आया। इसके साथ ही ये एस्ट्रोनॉट लिम को ये भी बताता है कि जिस स्पेसशिप में मैं आया हूँ वो मुझे वापस कमांड मॉड्यूल तक लेकर जाएगी, पर अगर मैं वक्त पर वहाँ ना पहुँचा तो कमांड मॉड्यूल अर्थ पर वापस चला जाएगा मेरे बगैर ही और मैं फिर पूरी जिंदगी यहीं पर फंस जाऊंगा। ये सब कुछ सुनने के बाद लिम समझता है कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी और उसे इस एस्ट्रोनॉट की मदद जरूर करनी है, जिसके बाद लिम उसे अपनी कार में बिठाता है और उसे उसकी स्पेसशिप के पास लेकर जाता है। बट वहाँ पर तो बहुत ज्यादा रश था, बहुत सारे रिपोर्टर्स भी थे और लोग भी जो कि यही ढूंढ रहे थे कि यहाँ पर एलियन कहाँ गया। देखते ही देखते यहाँ पर फोर्सेस भी पहुँच जाती हैं जहाँ पर सारे यही ढूंढ रहे थे कि एलियन किधर है। अब लिम जब ये देखता है तो इस एस्ट्रोनॉट को अपने घर में जाकर छुपा देता है। इतने ज्यादा लोग और इतनी फोर्सेस को देखकर अब लिम और एस्ट्रोनॉट को पता चल गया था कि स्पेसशिप तक पहुँचना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। थोड़ी ही देर में वो रोवर एस्ट्रोनॉट को ढूंढते ढूंढते उस तक पहुँच जाता है, जिसे देखकर एस्ट्रोनॉट बहुत ज्यादा खुश होता है। अब लिम के घर में उसका बेस्ट फ्रेंड आता है और
और वो तो बस स्लिम को ये बताने जा रहा था कि देखो तुम्हें तो एलियन पर यकीन नहीं था और अब एक एलियन हमारे प्लेनेट पर आ चुका है। जैसे ही वो लिम के रूम में जाता है तो सामने एलियन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अब लिम अपने दोस्त को सारी स्टोरी बताता है कि हमें इसकी मदद करनी होगी किसी भी तरीके से स्पेसशिप तक पहुंचने में। अब लिम और उस रोवर की भी बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई थी। रोवर एक पेट की तरह बिहेव कर रहा था और लिम को ये बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। अब थोड़ी ही देर के बाद फोर्सेस के दो लोग सारे घरों में तलाशी लेने के लिए पहुंच गए थे और अब बारी थी लिम के घर की। जब ये दोनों ऑफिसर्स अंदर आके तलाशी लेने लगते हैं तो ये एस्ट्रोनॉट ऐसे बिहेव करता है जैसे वो इन दोनों को कंट्रोल करने लगा है और वो दोनों इतने बेवकूफ थे कि उनको भी ऐसे ही लग रहा था कि शायद हम सच में अंडर कंट्रोल आ चुके हैं। इसके बाद अब ये सब लोग ऑर्डर देते हैं कि हमें एक कॉमिक स्टोर तक लेकर जाएं। इन एलियंस की आर्मी का जनरल जब यहां पर पहुंचता है तो सोचता है कि इस स्पेसशिप के आसपास के घर को ही कोई क्वार्टर बना लिया जाए ताकि स्पेसशिप पर नजर रखें कि जब भी वो एलियन पास आए तो उसे पकड़ा जा सके। अब लिम का घर स्पेसशिप से सबसे ज्यादा करीब था जिसकी वजह से इसके घर को हेडक्वार्टर में चेंज करने का ऑर्डर दिया जाता है। जब आर्मी अंदर जाती है तो वहाँ पर काफी ज्यादा चीजें चेक होती हैं और अब एस्ट्रोनॉट के खाई हुई कुछ चीजों के रैपर्स वहाँ पर थे जैसे कि चॉकलेट के काफी रैपर्स, जिसको देखकर पता चलता है कि एलियन यहाँ पर जरूर आया था। और अब क्योंकि लिम भी घर पर नहीं था तो सबको ये लग रहा था कि शायद एलियन ने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया है। अब हर जगह पे मशहूर हो चुका था कि लिम उस एलियन के साथ है और उस एलियन के कंट्रोल में ही है। अब लिम को ख्याल आता है कि क्यों ना अपनी नेबर को अपने दिल की बात बता दी जाए। जब वो उसके पास आता है तो वो बहुत ज्यादा नाराज थी कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है। और कहीं ना कहीं शायद उसको ये भी लग रहा था कि लिम उस एलियन के कंट्रोल में होगा। लिम का दोस्त एलियन से इतना इंस्पायर था कि वो खुद एलियन जैसी एक्टिंग कर रहा था और अब ये सारी चीजें एक रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट में कैच कर लेता है। ये वीडियो इतनी वायरल हो जाती है कि हर एक को पता चल जाता है कि लिम कहाँ पर है और उस एलियन का भी आइडिया हो जाता है कि वो दिखता कैसे है। जिसके बाद आर्मी वाले अब लिम और उस एलियन तक पहुँच चुके थे। लिम अपनी कार में एस्ट्रोनॉट को बिठाता है और वहाँ से फौरन भागता है। दूसरी तरफ बाकी सारी आर्मी वाले अब एस्ट्रोनॉट की स्पेसशिप को अपनी बेस तक लेकर जा रहे थे और ये बेस कहाँ पर थी ये किसी को भी नहीं पता था। बहुत ही सीक्रेट जगह थी। अब ये लोग स्पेसशिप तक पहुँचे कैसे ये इनको लग रहा था कि नामुमकिन सी बात होगी। लिम को एक आइडिया आता है। उसे पता चलता है कि उस मैनिएक मूवी का पार्ट आज रिलीज होने वाला है और हर कोई उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो ये सब लोग एलियन कॉस्ट्यूम्स पहन के वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे जो कि काफी इंस्पायर्ड भी थे। मूवी का तो अपना ही शौक था बट एक एलियन उनके प्लेनेट पर है ये तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग बात लग रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने एलियन कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे। ये लोग यहाँ पर पहुंचकर सब में काफी ज्यादा गुम हो जाते हैं क्योंकि कोई भी इनको पहचान नहीं पा रहा था। यहाँ पर एक एंकर आती है और इनको बताती है कि यहाँ पर एक सीक्रेट कंपटीशन चल रहा था कॉस्ट्यूम्स का और आप दोनों के कॉस्ट्यूम तो बहुत ही रियल लग रहे हैं, जिसकी वजह से इनको विनर डिक्लेयर किया जाता है और स्टेज पर बुलाकर स्पीच करने को कहा जाता है। दूसरी तरफ वो रोवर जो कि पकड़ा गया था अब भागकर इस एस्ट्रोनॉट के पास आ रहा था और उसको फॉलो करते करते आर्मी भी अब यहाँ पर पहुंच जाती है और को पता चल जाता है कि ये एस्ट्रोनॉट कोई कॉस्ट्यूम नहीं बल्कि रियल है। आर्मी ये एस्ट्रोनॉट और लिम को पकड़ने ही वाले थे बट वो ऐसे एक्ट करता है कि जैसे उसने लिम को अब रिहा कर दिया है और वो उसके इफेक्ट में नहीं रहा। लिम की नेबर भी बहुत ज्यादा खुश होती है और हर कोई ये देखकर काफी खुश होता है। आर्मी अब उस रोवर और एस्ट्रोनॉट को पकड़ के अपने साथ बेस में ले जाते हैं। इस सब के बाद भी लिम हार नहीं मानता और सोचता है कि किसी भी तरीके से उस एस्ट्रोनॉट की मदद करनी चाहिए क्योंकि वो बुरा नहीं, वो तो घर जाना चाहता है। ये बात वो अपनी नेबर को भी बताता है, जिसके बाद वो भी समझ आती है कि लिम की इंटेंशंस बहुत क्लियर हैं और उस एस्ट्रोनॉट से डरने की बात नहीं कोई। अब यहाँ पर रोवर दोबारा से भागकर लिम के पास पहुँचता है, जिसके बाद वो बता देता है कि वो बेस कहाँ पर है, जिसके साथ ही रोवर, लिम और उसकी नेबर बेस तक पहुँच जाते हैं। अब ये जगह बिल्कुल न्यू थी, लिम ने पहले तो कभी देखी नहीं थी और ना ही किसी चीज का आइडिया था। लिम यहाँ पर चीजों को छेड़ रहा था जिसकी वजह से एक बटन प्रेस होता है और एक बहुत बड़ा सा बेस का डोर खुलता है। पता चलता है कि ये वही जगह है जहाँ पर वो स्पेसशिप और एस्ट्रोनॉट को रखा गया है। अब रोवर आगे आगे था और वो लिम और उसके नेबर को फॉलो करने को बोल रहा था। यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो लिम देखता है कि
नीचे बहुत सारे आर्मी वाले उस एस्ट्रोनॉट का तो दिमाग खोलने लगे हैं ताकि चेक करें कि ये एलियन अंदर से कैसा है। रोवर जब ये देखता है तो फौरन इनको रोकता है और ऐसे ही उस एस्ट्रोनॉट को बचाकर ये लोग स्पेसशिप तक भागने लगते हैं। ये लोग स्पेसशिप में चढ़ने ही वाले थे कि सारी आर्मी इनको घेर लेती है। अब यहाँ पर जनरल भी आ चुका था और वो लिम और एस्ट्रोनॉट को बताता है कि अगर तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो मैं पास में रखे एक बॉम्ब को ब्लास्ट कर दूंगा, फिर यहाँ से कोई भी जा नहीं सकेगा। लिम को लगता है कि शायद ये मजाक कर रहा है और रियल में ऐसा करेगा नहीं। और जैसे ही ये लोग स्पेसशिप में जाने लगते हैं, वो जनरल एक गन निकालता है और ब्लास्ट कर देता है। हर तरफ आग लग जाती है। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट दोबारा अंदर जाता है सिर्फ इस काम के लिए कि जनरल को बचा सके, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सी रॉड के नीचे दब चुका था। लिम उसे कह रहा था कि तुम यहाँ से भाग जाओ, बट उसे यही लगा कि वो जनरल को भी बचा ले। अब लिम, उसकी नेबर, रोवर, वो एस्ट्रोनॉट और जनरल स्पेसशिप में बैठ चुके थे, जिसके बाद एस्ट्रोनॉट उस स्पेसशिप को चला लेता है और ये लोग आउटर स्पेस में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये एस्ट्रोनॉट सबको ग्रेविटी दिखाता है। अब जनरल को भी होश आ चुका था। इसके बाद वो एस्ट्रोनॉट दोबारा से उसी प्लेनेट पर अपनी स्पेसशिप को लैंड करता है ताकि इन सबको वहाँ पर छोड़ सके। एस्ट्रोनॉट के इस एक्ट से जनरल को भी लगा कि वो एक अच्छा इंसान है और कोई खास एलियन नहीं। जनरल इसके बाद अब इस एस्ट्रोनॉट को वापस जाने के लिए कह देता है कि वो अब आराम से वापस जा सकता है। जब एस्ट्रोनॉट अपने रोवर को लेने लगता है तो देखता है कि वो लिम से बहुत क्लोज हो चुका है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब इस रोवर को लिम के साथ ही रहना चाहिए। अब वो लिम को गुड बाय कहता है क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे और लिम ने उसकी बहुत ज्यादा मदद की थी। ये एस्ट्रोनॉट अपनी स्पेसशिप में जाता है और हम एंड में देखते हैं कि इस प्लेनेट का एक पेट उसके साथ ही चला गया है और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।